नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, ये हम आज आए हुए हैं सेंट्रल पार्क दिल्ली में। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितने खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर खिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये पार्क एक नए तरीके से रेनोवेट हुआ है, जो कि कनॉट प्लेस यानी कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के जस्ट ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इसमें फ्लावर्स लगा दिए गए हैं, प्लांट लगा दिए गए हैं, जिससे कि बहुत खूबसूरत लगता है। और दोस्तों, ट्यूलिप का यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कलेक्शन भी लगाया गया है, जिसको देखने के लिए दोस्तों मैं आया हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत सा देखिए गार्डन है। आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा गार्डन दिखाऊँगा दोस्तों। देखिए, इन्होंने दोस्तों हेज के लिए जो ये हेज वाले लगा रखे हैं, बहुत खूबसूरत से लगा रखे हैं। देखिए, यहाँ पे नेस्टेशियम लगा हुआ है, कितना खूबसूरत सा देखिए फ्लावर आया हुआ है, जो कि वेरिएशन में है। देखिए दोस्तों, लोगों के चलने के लिए बढ़िया सा पत्थर लगाया हुआ है। और जो पार्क को दोस्तों इन्होंने सजाया हुआ है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने वॉच टावर भी बना रखे हैं इसकी निगरानी के लिए। और यहाँ पे माली वगैरह बहुत सारे हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हमेशा रहती है। आप देख सकते हो दोस्तों, कितना खूबसूरत दोस्त, क्योंकि दोस्तों पूरे दिल्ली का सेंट्रल में बना हुआ है ये पार्क। और पहले दोस्तों ऐसे ही एक पार्क हुआ करता था, लेकिन अब दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से बड़े पेड़ सारे कट कर दिए गए हैं। और ये देखिए, छोटे छोटे से बोनसाई वाले ये सब फाइकस वगैरह लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुझे कुछ स्पाइडर लिली दिख रही हैं। ये देखिए, खूबसूरत सी स्पाइडर लिली के प्लांट है, काफ़ी अच्छी इनमें ब्लूमिंग भी हुई है। और एक साइड से दोस्तों काफ़ी सारे प्लांट्स मुझे दिख रहे हैं। नेस्टेशियम काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वेनेडियम काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुझे कुछ पॉपी भी दिख रही है। तो पॉपी के भी प्लांट्स देखिए दोस्तों, रेड कलर में यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। और देखिए, इन्होंने बिल्कुल सर्कल सर्कल से बिल्कुल बना रखे हैं, और बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में दोस्तों। फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए दोस्तों, जो मैं पॉपी की बात कर रहा था दोस्तों, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से प्लांट हैं। और इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, बहुत खूबसूरत सी। समर अभी स्टार्ट हो रही है, तो अब दोस्तों इनमें फ्लावरिंग अभी तो कुछ दिन तक चलती ही रहेगी। जब मई जून आएगा, तब दोस्तों इनमें फ्लावरिंग कुछ कम हो जाएगी। तो आप इस पार्क का आनंद लीजिए। देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं। मैं तो दोस्तों इनको देखता ही रह गया, इनके मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ इनके क्लिक की हैं। और आगे देखिए दोस्तों, मुझको यहाँ पर कुछ जो येलो फाइकस आता है, उसके देखिए प्लांट दिख रहे हैं। अंदर कुछ मुझे ड्राई तुलसी भी दिख रही है, शायद विंटर की वजह से ड्राई हो गई है। बीच में कुछ इन्होंने सेंटर पर बड़े बड़े प्लांट भी लगा रखे हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे की साइड में। बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इन्होंने कुछ सिंगोनियम की जो देसी वेराइटी होती है वो लगा रखी है। इधर साइड देखिए, यहाँ पे दोस्तों लॉन में इन्होंने घास अभी शायद डाला हुआ है, तो शायद कुछ दिन में ये बड़ी भी हो जाएंगी तो फैल जाएंगी। बैठने के लिए दोस्तों इन्होंने जो पट्टियाँ बना रखी, बहुत खूबसूरत बना रखी हैं। बट दोस्तों, लोग यहाँ पे पैदल अंदर जाते हैं, तो ये चीज़ इनको मना करना चाहिए। शायद कुछ रेलिंग वगैरह लगाना चाहिए, ताकि अंदर दोस्तों ग्रीन ब्यूटी इसकी अच्छी खासी निखर करके आए। क्योंकि लोग भीतर जाते हैं, और दोस्तों उसके कारण क्या होता है कि घास जो है ख़राब हो जाती है। इन्होंने देखिए दोस्तों, जो लाइटिंग की व्यवस्था कर रखी है वो भी काफ़ी अच्छी बना रखी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने एक नहर टाइप सा बना रखा है, ये देखिए। और दोस्तों, जो ये रोड है, तो ये देखिए दोस्तों, ये नेशनल हाईवे 1 है। और देखिए यहाँ से, ये देखिए खूबसूरत सा व्यू आता है, बिल्कुल सीधे आपको यहाँ से संसद भवन दिखता है। अभी एक्चुअली डस्ट के कारण से पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर साइड, ये यहाँ पे दोस्तों इवनिंग में पानी भरा रहता है, अभी दोस्तों सफाई होने के लिए इन्होंने छोड़ा हुआ है। और पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे देखिए, कुछ लोग दाना डाल के गए हैं, तो यहाँ पे कबूतर चुग्गा चुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कबूतर एक ऐसा जीव होता है जो हर किसी का हक मार जाता है, मतलब छोटी छोटी चिड़ियों का खाना खा जाता है। कबूतर को आप जितना भी खिलाएंगे, उसका पेट कभी भी नहीं भरेगा, वो हमेशा खाएगा और आपके ही घर में हगेगा। तो इस वजह से कबूतरों को दोस्तों दाना वगैरह बहुत कम डालना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, जो आपके नेचर को बहुत ज़्यादा सेव रखती हैं, बहुत छोटे छोटे जितने भी कीट पतंग होते हैं, मच्छर मक्खी, उन सबको खा जाती है। तो उन सबको दोस्तों ये खाने से रोक देती है कबूतरें।
तो इस वजह से भी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले बहुत सारे प्लांट बड़े बड़े लगे हुआ करते थे जब हम आते थे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ के सारे बड़े बड़े प्लांट्स हटा दिए गए हैं और जो रास्ते हैं इनको दोस्तों बहुत चौड़ा कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है, जिस वजह से दोस्तों वो जो पहले ब्यूटी होती थी वो अब नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पर बहुत सारे ट्यूलिप लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, रंग बिरंगे ट्यूलिप लगे हुए हैं और आगे देखिए वॉच टावर में दिल्ली पुलिस वाले बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए साइड में भी दिल्ली पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने बोला कि हमको मत दिखाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइकफ लगा रखा है। यहाँ पे मुझे कुछ डहलिया भी दिख रहे हैं, तो हालांकि डहलिया की दोस्तों ब्लूमिंग ख़त्म हो गई है, फिर से बर्ड्स आएंगे तो फिर से ब्लूमिंग होगी। और ये देखिए दोस्तों, इसका ये सेंट्रल वाला पार्क है कि यहाँ पे देखिए ये ऑडिटोरियम टाइप से इन्होंने बना रखा है कि यहाँ पर कुछ रंगमंच वगैरह कार्यक्रम वगैरह के लिए लोग लीज में देते हैं, कुछ फंक्शन वगैरह के लिए, बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए ये सब यहाँ पर लीज में देते हैं। कोई मंत्री वगैरह आता है तो यहाँ पर दोस्तों स्पीच के लिए भी रखा जाता है। सामने देखिए दोस्तों, तिरंगा झंडा खूबसूरत तरीके से फहर रहा है और बगल में देखिए चंपा के, देखिए दोस्तों यहाँ पे वाइट वाली वेराइटी लगा रखी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे चंपा की जितनी सारी वेराइटी हैं वो यहाँ पे शायद ऐड की जा सकती थी एक अच्छे लुक के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हर जितने भी गार्डन है, हर गार्डन का एक दोस्तों वहाँ पे रिजर्व फ्लावर बनाना चाहिए। रिजर्व फ्लावर मतलब कि उसकी जितनी भी सारी वेराइटीज़ हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए, शायद जिससे बोटेनिकल लोगों को जो है एक अच्छा सा समझ में आएगा और लोगों को इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है, ट्यूलिप अभी खिला हुआ नहीं है, थोड़ी सी धूप और लगेगी तो दोस्तों ये सारे ट्यूलिप खिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और नीचे देखिए दोस्तों, इन्होंने पेटूनिया भी लगा रखा है, एक ही कलर का एक क्यारी में लगा रखा है तो और भी खूबसूरत लगता है देखने में। अब आप देखिए दोस्तों, इसका ऊपर से जब व्यू देखते हैं तो कितना खूबसूरत लग रहा है, जब देखिए सामने वाली बैक साइड में जो देखिए जो रेलिंग है, जब हम आपको वहाँ से दिखाएँगे तब आपको इसका दोस्तों एक्चुअल व्यू दिखेगा और बहुत खूबसूरत व्यू दिखेगा। तो आप भी दोस्तों अगर दिल्ली या कभी दिल्ली आते हैं तो इस कनॉट प्लेस के दोस्तों इस सेंट्रल गार्डन में ज़रूर जाइएगा और देखिएगा दोस्तों कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत से प्लांट हैं, बहुत खूबसूरत से कलर वेराइटीज के यहाँ पे आपको फ्लावर भी मिलेंगे। समर में भी दोस्तों ये हरा भरा रहता है, विंटर में भी हरा भरा रहता है। बहुत से लोग घूमने आते हैं, डेस्टिनेशन के लिए घूमने आते हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह दोस्तों उतनी ज़्यादा अलाउड नहीं है कि आप कहीं पर भी जाकर फोटोग्राफी कर सकें, लेकिन पब्लिक प्लेस है, आप दोस्तों फोटोग्राफी आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं। वैसे शूटिंग वगैरह यहाँ करना अलाउड नहीं है, पुलिस वाले मना करते रहते हैं। और आप किसी ब्लॉग वगैरह के लिए दोस्तों अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बेशक रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्लावर का आनंद ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहां पर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो होप दोस्तों हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।